मैं नहीं रह सकती, प्लीज अली, नहीं ना, नहीं। बस करो तुम अंधा, बस करो। मैं हुस्ना को धोखा नहीं दे सकता। कहाँ रह गई अली? कॉल करके पूछूं उनसे, मुझे फिक्र हो रही है। हेलो हेलो अली, वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई बात नहीं, बोलो। वो मैं पूछ रही थी कि काफ़ी देर हो गई, कब तक आएंगे आप? मैं खाना मंगवा लूँ आपके लिए? हाँ मंगवा लो, मैं बस आ रहा हूँ। हेलो अली, मम्मा, मैं जानबूझ के विकी को नहीं मिली, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? हाँ, उसके पास मेरे वीडियोस और पिक्चर्स थी मम्मा। उसने मुझे कहा था अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगी तो वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। मम्मा, पहले भी मैंने आपकी ज्वेलरी उसको ही दी थी। इतना कुछ हो गया कि तुम मुझे अब बता रही हो? तो मैं क्या करती मम्मा, मैं डर गई थी। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, तुम मुझे अगर बता देती तो मैं आपको नहीं बता सकती थी मम्मा। उस विकी ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। अनी, तुमने क्या कर दिया, तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या फायदा इस माफी का, क्या कर, सब कुछ बर्बाद हो गया अनी, सब कुछ बर्बाद हो। मम्मा प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं मर जाऊंगी मम्मा, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, पागल हो गई हो? नहीं जीना चाहती मैं, मर जाने दो मुझे, नहीं जीना चाहती। अच्छा तमन्ना, अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं, ठीक है? क्यों जाऊं मैं? हाँ, जब तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है, मुझे अपने साथ रखना नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? बस कर दो ये तमाशा, खुदा का वास्ता है, बस कर दो ये तमाशा। तुम्हारे लिए तमाशा है ना, ये सब कुछ तमाशा है ना तुम्हारे लिए, तो मर जाने दो ना यार मुझे, नहीं जीना चाहती मैं, क्योंकि अली तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, समझ आई तुम्हें? तमन्ना आप बस, बहुत हो चुका, चुप करके चलो मेरे साथ। इश्क कहीं ले चल। अली कहाँ रह गए? इतनी देर तो कभी नहीं की। बार बार फोन करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? कह
तो रहे थे कि आ रहा हूं, लेकिन अभी तक नहीं आई है। सर वो मैडम आपको पूछ रही थी। हाँ मेरी बात हो गई थी। आप एक काम करें, अपने दूसरे होटल में एक रूम बुक कर दें। दूसरे होटल में क्यों? मैं बात कर रहा हूं ना अली, मैं यहां रहूंगी। अच्छा यार, आप इसी होटल में एक रूम बुक कर दें। जी जरूर सर। थैंक यू। तो वरना आप रूम में जाए। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो वरना प्लीज रूम में जाओ, मैं आ रहा हूं। I'm waiting there. आप उसना मैडम से ये जिक्र नहीं करेंगे कि यहां मैंने किसी और को भी कमरा लेकर दिया? जी ठीक है सर। यह दोबारा कमरा, तुम यहां आराम से रह सकती हो, ठीक है? आप कहां जा रहे हैं? क्या हो गया तमन्ना? मैंने तुम्हें कमरा ले दिया है ना, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। नहीं अली, मैं यहां अकेली नहीं रहना चाहती। अब प्लीज मेरे पास बैठो ना, हम बातें करते हैं। याद करो, एक वक्त था जब आप मेरे साथ ऐसे अकेले वक्त गुजारने के लिए कितना बेकरार रहते थे। तुम समझ क्यों नहीं रही? अब ना वो वक्त रहा है, ना हम दोनों वो रहे। क्यों? मैं तो वही हूं और आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही है, तुम समझना नहीं चाहती। उस ना मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना है। तुमसे सुबह मिलने आऊंगा ना, ठीक है? तमन्ना, 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 क्या हुआ तमन्ना? तुम ठीक तो? Are you okay? अली, अली, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज मत जाओ ना। अच्छा अच्छा तमन्ना, खुद को संभालो, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। पक्का ना? आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे ना? प्रॉमिस। नहीं जाऊंगा, तुम परेशान ना। आपको पता है मैंने कब से खाना भी नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लग रही है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खाने का बंदोबस्त करता हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक ऑर्डर करना था। तमन्ना, खाना आ गया। आ गई पापा। खाना खाओ। एक शर्त पे खाना खाऊंगी।
अब क्या? आप भी मेरे साथ खाना खाओ प्लीज ना, कितना वक्त हो गया हमने साथ में खाना भी नहीं खाया। लेकिन तमन्ना बात, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मेरे लिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, खा रहा हूं। जी वकार साहब, सॉरी पता नहीं चला। जी बोले। ओके ठीक है, मैं आपको कल मिलता हूं। थैंक यू। खाना खाओ। नहीं, मैं चाहती हूं कि पहले आप मेरे सामने बैठ के खाना खाएं, ताकि मैं कुछ और वक्त आपको देख सकूं। तुमने कहा था ना खाना खाओ, मैं खाना खा रहा हूं ना, तुम भी खाओ। ठीक है। तुम अब आराम से खाना खाओ, मैं अब चलता हूं। अली, क्या हुआ अली? Are you okay? अली, अजीब से चक्कर आ रहे हैं। आप एक काम करें, आप वहां लेटकर थोड़ी देर आराम कर लें। ये जाना है, उसका इंतजार करें। अली, थोड़ी देर आराम करने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। थोड़ी देर चक्कर क्यों आ रहा है? आप थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर चले जाइएगा प्लीज। अली, मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है और आप फोन नहीं उठा रहे।
मैंने आपसे माफी तो मांगी है ना, मैं और क्या करती? तो मुझे बता तो सकती थी। अगर मैं आपको बता भी देती मामा तो क्या हो जाता? हम दोनों उस विक्की का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यही सोच सोच कर तो मुझे हौल उठ रहे, अब क्या करेंगे हम? मामा एक बात कहूं, क्या आप मानेंगी? बोलो क्या? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उस विक्की ने फिर से मुझे धमकाया तो। यही तो मैं सोच रही हूं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ। मम्मा आप क्या कर रही हैं? विक्की ने मुझे साफ बोला है किसी को नहीं बताना वरना वो मेरी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल देगा। तो अब क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? अब उसने ब्लैकमेल किया तो क्या बेच कर दोगी? मम्मा आई एम सॉरी मम्मा, मुझसे गलती हो गई, आप ही बताएं मैं क्या करती? तुमसे जो गलती हुई है उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें। मामा मेरे पास एक आइडिया है, आप अली से बात करें, आई एम श्योर अगर उसे विक्की के बारे में पता चलेगा वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। नहीं नहीं मैं उससे मदद नहीं मांगूंगी। मामा प्लीज मेरी बात माने, विक्की से इस वक्त सिर्फ अली ही हमें बचा सकता है और कोई नहीं। प्लीज हमें उसकी मदद की जरूरत है, प्लीज मामा प्लीज मेरी खातिर प्लीज। नहीं है नहीं मामा प्लीज मेरे लिए प्लीज, शायद इसी बहाने वो हमें माफ भी कर दे। गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? ये सब क्या है, मैं यहां कैसे सो गया? तमन्ना ना, मैंने कुछ पूछा है। अली कल रात को आपकी तबीयत खराब हो गई थी, याद है मैंने आपको लिटाया था, फिर आप इतना थक गए कि आप सो गए, तो मैंने आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन तुम मुझे उठा भी सकती थी। कैसे उठा सकती थी, मैंने बताया ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। और अली आपके कल रात के रूप ने मुझे एहसास दिलाया कि आप आज भी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? अली कल रात मेरे लिए बहुत खास थी, बहुत। नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है अली, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? बस बहुत हो गया तमन्ना, बहुत हो गया, जा रहा हूँ। अली तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, जो यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। अली एक बार तुम मुझे मौका दो, प्लीज मुझसे बात करो। आई नो यू लव मी एंड आई नो हाउ मच यू लव मी। अली
कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर? तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा अली। क्या हुआ? नहीं फोन उठाया उसने, पता था मुझे। क्यों? तुम जानती तो हो वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मामा ये भी तो हो सकता है कि अली कहीं बिजी हो। आई एम श्योर उसने आपको माफ कर दिया होगा। इतने दिन वो आपसे नाराज नहीं रह सकता मामा। नहीं अली, ये नाराजगी किसी आम बात के लिए नहीं। मैंने उसका भरोसा तोड़ा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। मामा मैं बात करूंगी अली से। नहीं, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। कितने पैसे चाहिए आपको? सारे पैसे ले जाए यार आप। लेकिन इस घर से, मेरे घर से निकल जाए आप। आपका मेरा कोई ताल्लुक नहीं आज से। कहाँ रह गए थे आप? सब खैरियत तो है? हाँ ठीक हूँ। उसना तुमने अली के दिल में हमारे लिए नफरत डाली है, मुझे घर से निकलवाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो बिना की कॉल आ रही थी, आप उसको कॉल बैक कर ले, सब खैरियत तो है? पता नहीं। तो आपको कॉल क्यों कर रही थी? कहा ना, मुझे नहीं पता। रह गए थे आप? सब खैरियत तो है? हाँ ठीक हूँ। उसना आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाती हूँ। नहीं, भूख नहीं है मुझे। उसना पूछो ही नहीं मुझसे मैं सारी रात कहाँ था। नहीं अली, आप काम कर रहे थे, देर सवेर हो जाती है, कोई बात नहीं। इतना यकीन करती हो मुझ पर? शायद खुद से ज्यादा। उसना, क्या वाकई मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं सारी रात कहाँ था? नहीं अली, दोस्त के साथ आपके उन्होंने रोक लिया होगा आपको। छोड़े सारी बात, मैं थक गया, लेटर में आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, रेस्ट करूंगा।
मैं छोड़कर मत जाओ प्लीज। वक्त तो सुसना के साथ होगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूं उसे यहां कैसे बुलाऊं? मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं नहीं, वहां तो सुसना होगी तो क्या होगा? मुझे उसका डर है क्या? अली मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन अगर अली ने बुरा मान लिया तो मुझे जिसे मिलना है, क्या करूं क्या करूं? उसका फोन है। सॉरी, वो फोन रिंग कर रहा था तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, सोचा उठा लूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? फोन था किसका? वो मीना की कॉल आ रही थी, आप उसको कॉल बैक कर ले, सब खैरियत है। पता नहीं तो आपको कॉल क्यों कर रही थी? कहा ना, मुझे नहीं पता। अली, फूफू की कॉल आ रही है। उनसे कह दो कि मैं यहां नहीं हूं। जी अच्छा। हेलो, तुम अली कहां है? वो अली फोन घर पे भूल गए। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं फूफू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुमने अली के दिल में हमारे लिए नफरत डाली है, मुझे घर से निकलवाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हुस्ना, कान खोल के सुन लो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी एनी के साथ। पप्पू मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सच में चाहती हूं कि अली आप दोनों को घर वापस ले आए। जानती हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना हुस्ना, मेरा अली से खून का रिश्ता है। तुम मुझे मेरे अली से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकती, समझी? मैं
क्या कह रही थी पुप्पू? क्या कह सकती है वो? यही कि मैंने उनको आपसे दूर कर दिया और उनको उनके घर से निकलवा दिया। जानता हूं मैं, लेकिन उसने आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके अली, प्लीज प्लीज, वो आपकी बड़ी है, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। हाँ बड़ी है मेरी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया है और धोखा देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो चुके, मैं भी शादीशुदा हूं और तुम भी। मैं हुस्ना को धोखा नहीं दे सकता। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा हुस्ना मेरी बीवी है। तमन्ना के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते और उसका को मैं धोखा नहीं दे सकता। एक तरफ मेरी मोहब्बत है, दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी। मुझे एक को चुनना होगा, क्या करूं? अगर उसना को पता चला कि मैंने तमन्ना को यहां रखा हुआ है तो उस पर क्या गुजरेगी? और तमन्ना उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मौला मौला मेरे अच्छी हो सुना, बहुत अच्छी हो। बेटा तुमने सूप क्यों बनाया? पहले ही राशन कम है।
महीने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा और अब तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। हर जगह ढूंढ रही थी। क्यों, कोई काम था क्या? मतलब कोई काम होगा तो ही आपसे बात कर सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हुस्ना, आप खफा हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों खफा होंगी आपसे? वो मैं रात को नहीं आ सका ना। हाँ, वो आपने तो बताया था कि आपको जरूरी काम है, देर तो हो जाती है ना। क्यों, मैं समझती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो सर, बहुत अच्छी हो। आप बहुत अच्छे हो, सच में बहुत खुश नसीब लड़की हूँ जो आप जैसे साथी मिला है। जिंदगी से और क्या चाहिए? गाड़ी में चलकर बैठो, मैं आता हूँ। वो हमने खाना तो खाया ही नहीं। कहीं बाहर से खाते हैं, गाड़ी वहीं पार्क है। आप जाकर बैठो, मैं बस आया, एक जरूरी काम याद आ गया छोटा सा। श्योर जी, आप चलो। अब मैं क्या करूं? एक राबिया का सहारा था, उसने भी साथ नहीं दिया। अब एनी का क्या होगा? और ये विकी, इसे एनी को कैसे बचाऊं? अगर उसने वाकई ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो हम क्या करेंगे? क्या हुआ मामा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मामा, आप परेशान मत हो। देखिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया। बेटा, तुमने सूप क्यों बनाया? पहले ही राशन कम है, महीने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा और अब तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। मामा आप फिक्र मत करें, यहाँ पास में एक दुकान है, वहाँ पे चीज़ें उधार पे मिल जाती हैं। इनफैक्ट मैंने शॉपकीपर से भी बात कर ली है। फिर बेटा, ये उधार उतारना भी तो पड़ता है। ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई हूँ। अगर हुस्ना देख लेती तो अच्छा होता ना, उसे पता चल जाता कि आप पर सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक वापस लेकर आऊंगी हर हाल में। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो तमन्ना, यू हैव लॉस्ट इट। आई नो, मैं आपके लिए पागल थी, पागल हूँ और पागल रहूंगी। जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हुस्ना मेरी बीवी है और मैं उसे दुख नहीं दूंगा। मुझे दुख दे सकते हैं? हाँ, मैं कुछ नहीं लगती आपकी। तमन्ना, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी में सुकून मिल चुका है और जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो कहां थी तुम?
तब हुस्ना ने मेरा साथ दिया। आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। तमन्ना, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज प्लीज तमन्ना चली जाओ यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अली, अगर कल की रात मेरी जिंदगी में नहीं आई होती ना, तो इतनी जिल्लत के बाद मैं एक पल भी यहां नहीं रुकती। लेकिन कल रात के बाद आप भी अपना ताल्लुक मुझसे छुटला नहीं सकते। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? आपके लिए ब्लैकमेलिंग होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी वो मोहब्बत है जिसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आखिर तुम चाहती क्या हो तुम्हें? कम ऑन, आज तक आप ये नहीं समझ पाए कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत क्या है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत आप हैं, और मैं इस चाहत को पूरा करके रहूंगी एट एनी कॉस्ट। मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉब स्टार्ट कर लेती हूँ। आखिर मेरी क्वालिफिकेशन कब काम आएगी? मामा, आपने कितना पैसा लगाया मेरी एजुकेशन पर, मुझे वक्त आने पे उसका फायदा भी तो उठाना चाहिए ना। एनी लोग क्या कहेंगे, नाहिद बेगम की बेटी जॉब करती है। देखिए मामा, अब आपको पास से निकल जाना चाहिए, ना ही अब आप वो नाहिद बेगम है और ना ही मैं वो एनी। इतने थोड़े से वक्त में मैंने दुनिया का असली चेहरा देख ही लिया। देखो बेटा, मैंने एक दो जगह तुम्हारे रिश्ते की बात की है। बस मामा, अगर शादी होनी होगी तो ऐसे भी हो जाएगी, पर क्या नौकरी करने वाली लड़कियों की शादी नहीं होती? जिसने मुझे एक्सेप्ट करना है वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको एक झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगी मामा। मैं कुछ सोच रहा था। क्या? हम कल वापस चले जाएं? क्यों? मतलब अभी तो आए थे, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है? आप अभी वापस नहीं जाना चाहते? मेरी ऐसी बात नहीं है, अगर आपका जाना जरूरी है तो हम जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या आपकी अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है? आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उस हर चीज में मेरी मर्जी शामिल होना जरूरी नहीं है। और हसना, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूं अली, लेकिन ये मैं चाहती हूं कि मैं खुद को मुकम्मल तौर पे आपकी पसंद में डाल लूं।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसना, आप जैसी हो मुझे वैसी बहुत अच्छी लगती है। जरूरी कॉल तो उठा ले। नहीं, वो एक क्लाइंट है, तंग कर रहा है। क्या है? तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुमसे नहीं मिल सकता। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, और अपनी बीवी के हाथों में हाथ डालकर फिर जरूर सकते हो। क्या काम है? मुझसे मिलने आओ आज रात मेरे कमरे में। कहा ना मैं नहीं आ सकता। सब खैरियत है? परेशान लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है। क्लाइंट का फोन था, मिलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। मना क्यों किया? अगर इम्पोर्टेंट है तो आप चले जाएं। मैं अब अपना सारा वक्त सिर्फ तुम्हें दूंगा। लेकिन मामा, आप किससे बात करेंगे? इन हालात में हमारी कौन मदद करेगा? मैं जानता हूं कि तुम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत खुश हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, बट तमन्ना की हालत बहुत खराब है। अली, अली सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझे तुम? वो और किसी का नहीं हो सकता। मैं उसे होने नहीं दूंगी। जानती हूँ बेटा, तुमने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। बस एक बार मुझे आखिरी कोशिश करने दो। आफ्टर ऑल मैंने भी इंडस्ट्री में इतना काम किया है, इतने लोग मेरे जानने वाले हैं, मुझे लगता है कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम जॉब कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन मामा, आप किससे बात करेंगे? इन हालात में हमारी कौन मदद करेगा? राफे, तुम देखना, राफे हमारी मदद जरूर करेगा। कौन राफे? वो फिल्म का हीरो? हाँ, उसे मैं ही तो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आई हूं। हसन अली, हम इतना घूमकर आ गए लेकिन हमने एक भी सेल्फी नहीं ली। सेल्फी ले इनके साथ? तो क्या हुआ, मैं लेती हूँ ना। ओके अली, स्माइल तो कर दे। क्या हुआ अली? हाँ, कुछ नहीं। अली, राफे की कॉल आ रही है। राफे, उठाओ। आप उठाए ना, कोई जरूरी काम होगा उसे। उसमें मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। उठाओ। हेलो राफे, तुमने कॉल की, खैरियत? हाँ अली, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, सोचा तुम्हें बताना बहुत जरूरी।
ऐसी क्या बात है? तमन्ना मेरे घर आई थी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। I'm really happy for you. But तमन्ना की हालत बहुत खराब है। उसके शौहर ने भी उसे तलाक दे दी, उसे घर से निकाल दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अली तुम ये कैसे कह सकते? तुमने तो उससे मोहब्बत की थी। अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। प्लीज उसकी मदद करो यार। तो तुम भी तो उसको पसंद करते थे। अली मेरी बात और है, मैं उसे पसंद करता था, मोहब्बत नहीं करता। खैर मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मेरे दिल पर बोझ था। उस बेचारी लड़की को देखा तो मुझे बहुत तरस आया। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। तमन्ना कहाँ है अब? मुझे नहीं पता, वो सिर्फ मेरे घर आई थी। मैंने उसकी माली मदद करने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं ली और वो चली गई। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे पास आई। नहीं, वो मेरे पास नहीं आई। चले, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और हाँ भाभी को सलाम कीजिए। अल्लाह इतना मैंने उसे सपोर्ट किया है, इतनी मैंने उसकी मदद की है, आई एम श्योर वो हमें इस टफ टाइम में ज़रूर हेल्प करेगा। आप उसे आजमा कर देख लो मामा, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कोई मदद करेगा। इतना अरसा हो गया है, उसने एक बार भी आपका हाल पूछा है? नहीं ना। हमें जब अपनों ने छोड़ दिया तो पैरों से क्या गिला बेटा। अगर आपको उस पर इतना यकीन है तो बेशक आप बात करके देख लें। हाँ मैं बात करती हूँ उससे, लेकिन इस वक्त तो वो शूट पर होगा, बाद में कॉल कर लूँगी। पर तुम देखना वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। कमाल है, मैं भी कितनी पागल हूँ। देखो राफे को ही भूल गई। अच्छा ये सूप तो पी ले, बहुत प्यार से बनाया है। I'm so sorry बेटा, तो बातों में भूल ही गई थी। तुमने अपने लिए नहीं बनाया? बनाया है, लेके आते। तुम आओगी तो मिलके पियेंगे, मैं अकेले नहीं पीऊंगी सूप। तुम क्या कर रही हो मीना? हुस्ना का घर बर्बाद करना चाहती हो? वो तुम्हारी बहनों जैसी है। बहन? कौन सी बहन? जिसने मेरी मोहब्बत छीन ली मुझसे। वो घर सिर्फ मेरा है और हुस्ना ने मेरे हक पे डाका डाला है, मैंने नहीं। तुम जानती हो मीना कि ये सच नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हुस्ना ने जानबूझकर नहीं किया, वो उसका नसीब था। नसीब? मैं किसी नसीब को नहीं मानती। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है मीना, और जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अली हुस्ना के साथ खुश है। नहीं,
वो हुस्ना के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, ये सिर्फ एक दिखावा है जो दुनिया के सामने वो कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है या मोहब्बत करता था? मोहब्बत किसी से जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती मीना, कि जब दिल चाहा तो छोड़ दो और जब दिल चाहे तो वापस हासिल करने की जिद में लग जाओ। अली अब तुम्हारा नहीं है। अली सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझे तुम? वो और किसी का नहीं हो सकता, मैं उसे होने नहीं दूंगी। अली सिर्फ मेरा है, सुना तुमने? अली सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, सुना? अली सिर्फ मेरा है। ना क्या हो गया? अली सिर्फ मेरा है ना? अली सिर्फ मेरा है।